बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चयनित 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के तहत अब दो चरणों में जनपद में दिए गए सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र के बचे हुए अध्यापकों को भी शनिवार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में बीएससी बीएन सिंह द्वारा नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। गौरतलब है कि शासन की मंशा अनुसार सभी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाना था, लेकिन दो चरणों में किए गए नियुक्ति पत्र के वितरण के बावजूद कुछ सहायक अध्यापक मूल प्रमाण पत्र में उत्पन्न हुई विसंगतियों के कारण नियुक्ति पत्र से वंचित रह गए थे, जिसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने 3 सदस्यीय टीम का गठन कर अध्यापकों के प्रमाण पत्रों की विसंगतियों को दूर करते हुए शनिवार को अपने कार्यालय में 19 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया। शेष बचे अन्य शिक्षकों नियुक्ति पत्र का वितरण शासन के आदेश आने के बाद किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने कहा, निधि चौधरी, ये प्रथम चरण और द्वितीय चरण दो चरणों में नियुक्ति की गई थी, 31,261 और 37,000, जिसके तहत 4 तारीख को एक शासनादेश आया जिसमें शासन की मंशा थी कि अधिक से अधिक लोगों को इसमें नियुक्ति पर दे दिया जाए, तो उसमें कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, जैसे कि किसी ने अगर अधिवास बाद का दिया है, पहले का नहीं दिया है, या जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से है, पिता के नाम से देना है, अधिवास को लेके किसी अंकों में भरते समय अगर उसने अंक कम भर दिया है, उसके ज़्यादा है, उसमें छूट दिया गया कि एफिडेविट ले करके इनको भी नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। इस क्रम में दोनों चरणों के जो नियुक्ति पत्र निर्गत हुए थे उनका भी समीक्षा की गई। 3 स्तरीय कमेटी मेरे द्वारा बनाई गई, केस टू केस स्टडी किया गया कि किसमें हम छूट दे सकते हैं, लाभ अधिक से अधिक शासन की मंशा के अनुसार पहुंचाया जा सकता है, तो जिसके तहत आज हम 19 लोगों को नियुक्ति पत्र निर्गत किए हैं। शेष नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, लेकिन उनको किन्हीं कारणों से विसंगति मिलने के कारण उनके नियुक्ति पत्र रोके गए थे, उनको भी हमने बहाल कर दिया है शासन की मंशा के अनुसार, विभाग की मंशा के अनुसार, और इस तरह से लगभग तृतीय चरण का कार्य भी पूरा हो गया। अब जैसे ही शासन के द्वारा निर्देश प्राप्त होगा, विद्यालय का आवंटन भी ऑनलाइन होना है, आवंटन कर दिया जाएगा।